के मामले में जिन दो शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है उनकी तस्वीर जी मीडिया के पास है। पकड़े गए दो आरोपियों के नाम गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यप है। गुरमेल सिंह, जिसकी उम्र 23 साल है, वो हरियाणा का रहने वाला है, जबकि धर्मराज कश्यप, जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल है, वो यूपी का रहने वाला है। दोनों को दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर ली है। FIR में पूरी वारदात का सिलसिलेवार ब्यौरा भी दिया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। जी मीडिया पर शूटर्स की पहचान आप देख सकते हैं, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरा शूटर जो है वो फिलहाल अभी फरार है, यानी कि दो शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज पेशी भी है कोर्ट में, धर्मराज कश्यप और गुरमेल बलजीत सिंह को। तीसरा अभी फरार है, और आपको बता दें कि जो उम्र है, एक की 23 और एक की 19 साल बताई जा रही है। इस वक्त मैं बांद्रा के उस घटना स्थल पर हूँ जहाँ पर बाबा सिद्दीकी पर गोलियां बरसाई गई, जिसकी वजह से बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ घटनास्थल की। देखिए, ये पूरा घटनास्थल जो है इसको कॉर्डन ऑफ किया गया है, अंदर कोई नहीं जा सकता। यहाँ पर आपको तस्वीरें आप साफ तौर पे देखिए, जो निशान बनाए गए हैं बाकायदा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 सेल्स मिले थे गोलियों के, इसलिए इन जगहों पर बाकायदा निशान बनाकर रखा गया है। यहीं पर खड़ी थी बाबा सिद्दीकी की कार। बाबा सिद्दीकी अपने दफ्तर से, ये जो आप रोड देख रहे हैं, इसी रोड से जहाँ पर उनका दफ्तर है, वहाँ से होते हुए बाबा सिद्दीकी यहाँ पहुँचे अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ। यहाँ पर गाड़ी खोलकर उनका जो ड्राइवर जो है दरवाज़ा खोलकर खड़ा हुआ था। बाबा सिद्दीकी अपनी कार में बैठने ही वाले थे कि रोड के दूसरे हिस्से में, इस तरफ मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर ऑटो से वो शूटर्स भी पहुँचे थे। यहीं पर वो घात लगा के इंतज़ार कर रहे थे। पहले वो ऑफिस के पास गए जहाँ पर वो बाबा सिद्दीकी को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचे, और यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे कि अपने मौके का, जब वो बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग कर सकें। ये जो जगह है, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए, स्ट्रीट लाइट जो यहाँ पर लगाई गई है ये बिल्कुल बंद थी। पेड़ यहाँ ज़्यादा होने की वजह से जो बिल्डिंगों की भी लाइट थी उसका उजाला यहाँ पर नहीं आ रहा था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था, और इसी का फ़ायदा उठाया शूटर्स ने। वो सीधा यहाँ पर खड़े हुए और यहाँ पर मौजूद बाबा सिद्दीकी पर लगातार गोलियाँ चलाना शुरू किया। 6 गोलियाँ चलाई गई, जिसकी वजह से बाबा सिद्दीकी की जान गई। 3 गोलियाँ बाबा सिद्दीकी को लगी, 2 गोलियाँ उनके सीने पे, 1 गोली पेट में। उनको तत्काल यहाँ से लीलावती अस्पताल लेकर जाया गया। लीलावती अस्पताल में जब उन्हें ले जाया गया तो डॉक्टरों के मुताबिक उनके बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं था, पूरी तरह से बॉडी शांत हो गई थी। उन्हें रिवाइव करने की कोशिश की गई, लेकिन 11:27 पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस पूरे मामले में दो शूटर्स, जब उन्होंने यहाँ पर फायरिंग की, उसी दौरान वाई कैटेगरी सुरक्षा में जो है बाबा सिद्दीकी थे, उनके सुरक्षा कर्मियों ने गुरमैल सिंह साथ ही धर्मराज कश्यप, इन दो शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ही शूटर्स, एक हरियाणा और एक यूपी का है। इसके अलावा जो तीसरा शूटर था वो यहाँ से भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश 12 क्राइम ब्रांच की टीमें फिलहाल कर रही हैं। उसके अलग अलग जगहों पर दबिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि काफ़ी लंबे वक्त से ये लोग यहाँ मुंबई में मौजूद थे और लगातार बाबा सिद्दीकी पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल उनकी तलाश चल रही है। जो तीसरा शूटर है वो भी उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है। ये तीनों कुछ समय पहले ही, जैसा मैंने बताया, यहाँ पहुँचे थे और बाबा सिद्दीकी के घर से लेकर दफ्तर तक लगातार रेकी कर रहे थे, घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। कल उन्हें मौका मिला और उन्होंने बाबा सिद्दीकी पर ताबड़तोड़ गोलियाँ चला दी। कैमरा पर्सन मंगेश के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, मुंबई। NCP अजीत पवार गुट के